कैसे हैं आप? सब तो आ चुके हैं कुल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज जा रहे हैं भैया मिलिट्री बेस में। तो भैया यहाँ पे अच्छी बात है, मैं मिलते हो उतरते ही मैं M4 मिल जाती है, पर बंदा नहीं मिलता। तो मैं इधर उधर देख रहा होता तो मुझे उधर बंदा उतरते हुए दिखता है, मेरे को लगा इधर उतरेगा, पर वो उधर उतरता है कॉफ़ी शॉप के, तो बच जाता है। तो भैया जब तक हम अपनी लूट पूरी कर लेते हैं, फिर उस करते हैं अपनी रेस्क्यू प्रक्रिया शुरू। भैया मैं जल्दी जल्दी से क्या नाम है अपनी वैश वैश ढूंढ रहा था, बंदे मुझे ज़्यादा दिखे नहीं थे, पर यार मेरे अच्छे छः के लिए यहीं पे हो जाएंगे। तो ये बंदा दिखता है, तो पानी दानी ऐसी कुछ कहावत थी, मुझे याद नहीं है यार। मैं क्या नाम है, ये पोएम में मुझे याद नहीं रहती। तो भैया इसे मार के मैं जल्दी जल्दी देख रहा था, तो भैया मुझे पैरों की आवाज़ आने लग जाती है एकदम ही। तो देखता हूँ इधर से उधर कोई किधर दिखे, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग में एंटर हो चुका है, पर वो होता नहीं है। तो मैं इधर देख रहा होता हूँ, जैसे ही मैं इधर देखता हूँ मुझे तो दिखता नहीं है वो। तो यहाँ पे मेरे को Level 2 की वेस्ट मिल जाती है। तो भैया कार 98 चला रहे हैं कोई पास से, एंड भाई साहब को देखना क्या ही करते हैं। तो मैं इधर इसे इनको तो फिनिश कर देता हूँ, फिर मैं इधर देखता हूँ पहले। तो मुझे कोई दिखता नहीं, मुझे ये शायद किसी बॉट को मार रहे थे दूर हेम लेके, पर बेचारे खुद ही मर जाते हैं। तो मुझे एक बंदा दिखता है जो कि टावर पे जाने की कोशिश कर रहा था, तो इसे पहले फिनिश करते हैं। तो यहाँ से पहले जल्दी जल्दी से लूट वूट कर लेते हैं, टावर वाले काम में लूट उठा लें यार, थोड़ी तो काम आएगी। बस सोलो में वैसे एक चीज़ अच्छा है कि आप पे अगर एक स्नाइपर और एक AR है तो आप बढ़िया रहते हैं। अगर आप लॉन्ग फाइट लेते हो, अगर आप लॉन्ग से ही मार दो तो यार पास जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर कोई दूर से दिख जाए अभी आ जाए, क्योंकि जब तक आप उसके पास जाओगे जब तक वो भाग जाएगा। तो भैया मैं इधर से मेरे को कोई दिखता नहीं, तो मैं सीमेंट्री की तरफ आ जाता हूँ। तो इधर मैं ढूंढ रहा होता हूँ, ये बंदे से ना गलती से गोली चल जाती है। तो टावर की तरफ मेरे को शक तो था कि कोई है, पर इससे गलती से पता नहीं बॉट को मार रहा होता है किसी पर, गलती से चल जाती है। तो पहले मैं इसको ही देखता हूँ, फिनिश करता हूँ, क्योंकि टावर वाले सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं। तो भैया देखता हूँ तो ये दिख जाता है, तो मैं इसे पहले देख रहा होता आराम से कर क्या रहा है ये। फिर बंदा यार बड़ा ही आराम से लेट के सो रहा था, तो इसे पहले लॉबी भेजते हैं। तो मैं पीछे फैक्ट्री की तरफ जा रहा था, मुझे बंदा दिखता है पर ये कवर में चला जाता है, तो मैं इसे मार नहीं हो सकता, पर नहीं मार पाता। तो मैं इसके तरफ जैसे ही जा रहा हूँ मैं इसके पास ही चला जाता हूँ कि ये वो नहीं मार रहा, तो हम ही चले जाते हैं, हम ही मार देते हैं। तो मैं इसको देखो कैसे करता हूँ, ये बच के निकल जाता है, पर यार बंदे की किस्मत ही ख़राब थी, लौट के वापस आ जाता है। और भाई इसकी किस्मत ख़राब थी या मेरी, मेरे को पता नहीं चलता, पर मैं बच जाता हूँ यार देखना। अभी जैसे कहता है ये कंपनी भाई भू से स्टार्ट कर लेता भाई, और जैसे फायर होता भाई करके मतलब 5वां गियर लगा देता बंदा, क्या भागता है यार। उसको एक दो बुलेट कनेक्ट हुई थी, फिर एक दो बुलेट कनेक्ट हुई थी, कहीं नहीं पता नहीं कौन से हॉर्लिक्स भी क्या था, पता नहीं क्या कौन सी Level 4 या 5 के वेस्ट पहन के बैग भाग रहा था। तो मैं उधर ही जा रहा होता हूँ कि भैया चलो ये रुका तो होगा हील वील करने के लिए, पर आई बंदे में जिग रहा था वापस आता है गाड़ी लेके, गाड़ी कह रहा हूँ बाइक लेके वापस आता है। यहाँ पे देखना यार मेरा एम थोड़ा बेकार हो जाता है, पर फाइनली मैं मार देता हूँ इसे। अगर इसके हेड पे कनेक्ट नहीं होती ना मेरी गोलियाँ, तो भाई मेरे तो लॉबी पूरा तय थी यहाँ पे। तो भी इसको जो मारते हैं जल्दी जल्दी से, फिर इस पर थोड़ा माल वाल देखते हैं क्या क्या है। ये माल वाल देख पहले हील कर लें यार, माल तो बाद में देखते रहेंगे। तो ये बॉट दादा आते हैं, और ये लास्ट बॉट था,
इसको भी मुक्ति देते हैं। फायरिंग हो रही है पर यहाँ पे ओरिजिनल बंदे नहीं होते, सारे बॉट ही दिखते, बॉट ही लगता है। मैं तो अपने यहाँ पे इधर से आता हूँ कि फायरिंग इधर से हो रही है, क्या कोई पता मिल जाए, पर कोई दिखता नहीं है। तो मैं यह बाइक उठाता हूँ, निकल लेता हूँ। और इस ये मैच में यार क्या ही बंदे थे, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ बंदे होते हैं यार, समझ में नहीं आता, ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ता है। और भाई अगर सोलो आप खेलते हो नॉर्मली तो मैच आप तो आपका मैच कम से कम जाया जाता है यार 24 मिनट का है, 25 मिनट का हो जाएगा। पर भाई ये तो अलग ही लेवल का गेम था, 30 मिनट का गेम चला यार, मतलब 31 मिनट के मान लो इतना लंबा गेम। तो ये मेरे को बहुत काटना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी है यार। तो भैया हम यहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ पर टूट जाती है थोड़े भांग वांग के। तो ये ब्रिज से तो आ जाते हैं, ब्रिज पे तो कोई था नहीं। तो मैं बाइक यार सेफ नहीं है, तो मेरे को गाड़ी दिखती है, गाड़ी मतलब यार डार से दिखती है। मैं सोचता हूँ डार से ले लूँ, और जैसे डार से के पास जाता हूँ तभी मुझे एक बग्गी स्पॉट हो जाती है। और भाई अगर बंदा इस घर में होता ना तो आराम से मुझे मार देता। मैं एग्ज़िट का बटन दबा रहा हूँ पर एग्ज़िट नहीं हो रहा, ये वो एग्ज़िट भी नहीं होता भाई। तो यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ मुझे बंदा दिखता है, मैं इसे देखता हूँ। पहले से भाई बंदा कहाँ ही कैंप कर रहा था यार कैंप क्या मतलब होल्ड हो यार। तो इसको जैसे फिनिश करते तो एक यहाँ से डार से गुजरती है, इसको हिट भी देता हूँ, काफ़ी मारने की कोशिश करता हूँ पर बंदा बच जाता है यहाँ से। मैं और भी काफ़ी मारने की कोशिश करता हूँ पर यार बंदा काफ़ी दूर तो नहीं होता। मैं जल्दी जल्दी से अपनी ये गाड़ी बाइक नहीं हुई तो मैं बग्गी उठा लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ पर डार्सी है, तो मैं बग्गी उठा के इसी के पास तुरंत ही चल देता हूँ। और मुझे आगे यहाँ पे जाके गाड़ी स्पॉट हो जाती है, तो बंदा भी भैया यहीं पे था। आगे जाके फिर से मेरे साथ वही होता है कि एग्जिट नहीं होता। तो भाई मेरी लगता है आज किस्मत ख़राब है, पर क्या करें यार। और तो मैं इसे सोचता हूँ यार थ्रोबल का इस्तेमाल करके क्यों इतनी वेस्ट करूँ, इसे मार देते हैं। पर बंदा मारता ही नहीं यार, नेट ख़त्म करवाने के कगार, नेट ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है पर बंदा ही नहीं मरता। यहाँ पे होता है ना यार कि हर बार थोड़ा ना बम से मरेगा। तो मैं इधर देख रहा होता हूँ तो मेरे को थोड़ी ना कारिस्तानी सोचती है कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा अपना टिप्स एंड ट्रिक अपनाऊँ। यहाँ पे मैं बहुत बार चढ़ता हूँ गिरता हूँ, मतलब ऊपर बिल्डिंग पे नहीं चढ़ पा रहा था छत रूफ पे, पर मैं गिर जाता हूँ काफ़ी बार। फाइनली मुझे एक सक्सेस मिलती है पर यार वो भी बेकार हो जाती है। तो मैं यहाँ सोचता हूँ एक और नेट फेंक दूँ, पर भाई ये नेट भी बेकार जाएगा, वेस्ट हो जाएगा मेरा। आज लगता बम से बंदे फटना ही नहीं चाहते थे, वैसे ज़्यादा तो फट जाते हैं मेरे बम से। तो यहाँ पे मुझे सक्सेस मिल जाती है पर मैं गलती कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि भैया मैं एक बाउंड्री लाइन पे खड़ा हूँ। भाई यहाँ पे अगर आप चाहते हो और अगर आप सोलो खेल रहे हो तो यार ये ट्रिक अपनाओ, अच्छी है। मुझे मैं तो यार अपना तो करता ही रहता हूँ ये कारिस्तानियाँ। तो यहाँ पे बंदा मुझे दिख जाता है, मैं सोचता हूँ उसे और इसको खोलता हूँ, पर ये मैं भूल जाता हूँ कि भैया मैं बाउंड्री लाइन पर खड़ा था। मैं थोड़ा सा बैक होने लग जाता हूँ, नीचे गिर जाता हूँ वापस। तो यहाँ पे मैं दोबारा चढ़ता चढ़ने की कोशिश करता हूँ पर अब की बार नहीं हो पाएगा भैया, हमसे ना हो पाएगा ये सब बार बार। तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस बंदे की लोकेशन तो मुझे पता ही है, यहाँ पर काफ़ी ट्राई करता हूँ यार नहीं। तो मैं क्या करता हूँ एक नेट को करता हूँ और लास्ट मोमेंट पे फेंकेंगे यार, जिससे बंदे को भागने का मौका ही ना मिले। और ये भाई साहब ख़त्म, तभी यहाँ पे मेरे को फुटप्रिंट आते हैं, जो फुटप्रिंट कर रहा हूँ, पैरों की आवाज़ आने लग जाती है। और ये बंदा बॉट नहीं था, था रियल, पर ये शायद न्यू प्लेयर था, तो इसीलिए मैं इधर से उधर देख रहा होता पर दिखता नहीं है। फाइनली ये इस घर में घुसते हैं, पहले तो मुझे लगता बॉट है पर जब मैं इसको मारता हूँ ना यार नाम पढ़ता हूँ ये रियल होता है, ये रियल होता है। तो थोड़ा न्यू प्लेयर है। तो भाई यहाँ से अपनी लग्जरी कार उठाते हैं, निकल लेते हैं बंदों को ढूंढने की तलाश में। पता है मुझे थोड़ी वीडियो लंबी है पर यार क्या करें यार, ज़्यादा वीडियो भी तो नहीं काट सकते ना।
इतनी काटेंगे तो फिर मैच का इंटरेस्ट ही क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे बंदा मुझे सो होता है, पर मैं सोचता तो कार 98 से मार दूँ, पर बंदा भाई अलग ही लेवल का था। ये भी बाइक लेके भाग जाता है तो भाई से ही मारने की कोशिश करता हूँ देखना, पर भाई ये भी बच जाता है। एक दो बुलेट कनेक्ट होती है बस। तो भाई मैं ऐसे ढूंढ रहा होता हूँ कि क्या पता ये कहीं इधर उधर जाके प्रॉन हो जाए, हो गया वो, पर नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पे मेरा फ्यूल कम था और मुझे यहाँ पे यूएस दिख जाती है, जो कि भैया हम उठा लेंगे। अगर सोलो खेल रहे तो भाई आप पे गाड़ी होनी ज़रूरी है। तो भैया जल्दी जल्दी से यहाँ पे गाड़ी चेंज करते हैं और फिर ढूंढने लगते हैं बंदों को। और भाई यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ी गलती करता हूँ इस मैच में, तो मैं बताऊँगा आगे आपको क्या गलती करता हूँ। और भाई आप हो सके तो ये गलती ना करें, अगर सोलो खेल रहे हो तो आप ना करें, क्योंकि आपको कोई बचाने वाला नहीं होता, आप नॉक नहीं होगे, सीधे लॉबी में ही जाओगे। तो इसीलिए जो मैंने गलती करी थी वो आप ना करें। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि भी देख रहे हो बंदे घरों में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। यहाँ पे देखता हूँ, इस जगह देखता हूँ, यहाँ पे भी कोई नहीं होता। तो मैं ऐसे ही जा रहा होता हूँ, इधर से मैं देख रहा होता हूँ इधर उधर। एक कैंपर भाई साहब दिखते हैं हमें यहाँ पे, जो कि जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया पहले इसे को चलते हैं, तो भैया उनको तो मार देते हैं। फिर आगे देखते हैं, बग्गी टकराती है। और भाई ये बंदा चाहता तो मुझे मार सकता था, पर बंदा नीचे से पता नहीं क्या धरती फाड़ के मतलब मेरी मेरे को घुसेड़ना चाहता था, खुद घुसना चाहता था। तो इसके यहाँ से हम ग्रोजा उठा लेते हैं यार। ग्रोजा ओपी गन है यार, खैर 98 का क्या, लेवल 2 का तो फटता ही नहीं। और लेवल 2 का भी बंदा अगर होता तो 9 कई बार हो जाता। और ये देखो, ये बता रहा हूँ मैं, गलती ये मत करना कभी भाई। अगर आप कोई चीज़ लूट रहे हो तो स्मोक कर लो कभी भैया, ऐसे मत लेता खुले में। तो भाई मैं यहाँ पे फाइट नहीं लेता क्योंकि जोन आ चुका था, और जोन में फाइट ना वो खुद मेरे को ना खुद जाता ना मुझे जाना देता। ये देखो यार, इसकी किस्मत क्या ही ख़राब थी, बंदे के ऊपर से गिरी, बस हेड टकराया होगा इसको मेरे कार के इंजन के साथ। इंजन तो दिखता ही नहीं यार इसमें, पहला कार के नीचे का फ्लोर जो टकराया बस वही, और इसी से बंदा किल हो जाता है। और बग्गी का भी डिसेंट एडवांटेज दिखाऊंगा तुम्हें, भी देखना मैं हील कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये बग्गी की साउंड आया मुझे, और भाई साहब देखो कतई सुपरमैन बन गया है, और उसी के साथ लॉबी पहुँची। तो भाई अगर तुम अगर जोन में जाना तो भाई बग्गी का इस्तेमाल बहुत ही कम करो ऐसे टाइम पे, क्योंकि बग्गी भाई घूम जाती है कहीं पे भी, स्लिप हो जाती है, स्केट करने लगती है कई बार। तो भैया वहाँ से थोड़ा जल्दी निकलते हैं। और यहाँ पे भाई किसी को बंदा दिखाओ तो बताना, मुझे तो नहीं दिखा था, मैंने बाद में जब रिकॉर्डिंग चेक करी तब देखा था कि बंदा वहाँ प्रॉन हो रखा था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से आता हूँ, पहले हील वील करते हैं अपने आप, बूस्ट और पेप्सी वेप्सी मारते हैं यार। पबजी वाले कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक देते हैं तो यार यूज़ करा करो, गला वाला गीला करके चला करो भाई, काफ़ी मदद मिलती है इससे आपको। अगर आप फुल बूस्ट हैं, अगर आपको दो तीन गोली लगती है ना, और फाइट के बीच में अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि भैया आप जल्दी जल्दी फाइट ले रहे हो, और अगर आपको इधर से, और पहली बात तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, और एक दो गोली लगती है ना तो भाई वह जल्दी जल्दी से रिकवर हो जाती है। और यहाँ पे जैसे आता है ना ये बंदा होता है, तो मुझे लगता है वो घर के तो उस तरफ ब्रोकन वॉल मतलब दीवार के उस तरफ TPP ले रहा होगा, तो मैं सोचता हूँ एक स्मोक कर दूँ ताकि उसका व्यू ब्लॉक हो जाए। पर भाई हमारे कहाँ है यार, देखो पूरा सही करा, एंड टाइम पे इस दीवार पे टकरा गया। तो बंदा इधर आ जाता है, तो मैं इधर से इधर आ जाता हूँ ब्रोकन वॉल की तरफ, कि भैया बंदा ना हो इधर से आके मेरे को घूम के ना मार दे। तो यहाँ मैं उसके फुट्स को फॉलो कर रहा होता हूँ कि बंदा जा पा रहा है। जैसे ही मैं देखता हूँ कि होल्ड हो गया है, मैं थोड़ा उधर जाता हूँ, तो भाई साहब बंदे किनारे में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे थे। बंदा उधर देखता रहता है गेट की तरफ, और मैं इधर मार देता हूँ। तभी भाई साहब मैं इधर जा रहा होता तो एक मेरे को नागी गुटखाधारी नाग दिखता है, गुटखाधारी नाग क्या बंदा दिखता है, फ्री फायर देता रह जाता है। पर भाई ग्रोजा क्या, कहाँ फ्री फायर चलेगा इतना।
अब वो भी लेट के ब्रोकन वॉल पे, तो मैं यहाँ पे स्मोक स्मोक कर लेता हूँ, एक ही बंदा बचा होता है। और भाई यार आप लाइक और सब्सक्राइब करो यार चैनल भाई, आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हो तभी यार हमारे को थोड़ा वो जोश आता है यार, थोड़ा तभी हम बंदे बंदों को मारते हैं। जब आप क्या नाम है तो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा कुछ देखने लग गया था, मेरे को ये आ गया था इसलिए। तो भाई हम, मैं कह रहा था कि अगर आप यार लाइक नहीं करोगे तो यार मज़ा कैसे आएगा यार, हमें भी बहुत मेहनत लगती है कम से कम यार। कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए चैनल को यार, मानते हैं नया चैनल है पर यार हर कोई एकदम से तो पॉपुलर होता नहीं है। तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर रहा था इसकी, काफ़ी ढूंढता हूँ इस बंदे को पर बंदा दिखता नहीं है मुझे लास्ट वाला। और भाई आखिरकार ये जोन से ही मर जाएगा भाई, अगर आप प्यार नहीं दोगे तो यार हम कैसे फिर करेंगे यार, हमें को भी थोड़े यार आपकी ज़रूरत होती है भाई। अगर आप फॉलो करोगे सब्सक्राइब करोगे तभी तो यार हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि शायद मैं देख रहा होता हूँ कि तभी मेरी गाड़ी ठुक जाती है। तो भैया यहाँ पे हम ढूंढते ढूंढते वैसे परेशान हो जाते हैं, और बंदा पता नहीं कहाँ ही लेटा होता है, घास पे चला दी सब कुछ चला दी। तो आखिरकार मैं यहाँ पे हर बार के मैं यहाँ पे ही रुक जाता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ कि इधर आएगा तो जोन में ही। तो भाई बंदा जोन में तो आता ही नहीं है, वो जोन से ही मर जाता है। और आपको भाई अगर इसमें बग्गी वाला सीन और वो कार से जो मैं बचा हूँ जो स्प्रे से मुझे बोल 5 HP पे, अगर वो सीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, तो फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।